हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। प्यारे दोस्तों, आज का जो इस वीडियो लेक्चर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इतिहास के अंतर्गत, जो जहाँ से काफ़ी जो है क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ज़रूर वहाँ से एक या दो क्वेश्चन टच कर दिए जाते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में केवल हम जैन धर्म से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं अब तक जैन धर्म में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, यानी कि या ऐसे पूछ लेता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हैं, ठीक है, वो कौन है। तो उनको जो है ऋषभदेव, आदिनाथ या ऋषभनाथ, ये तीनों एक ही लोगों का नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार एग्ज़ाम में जो है, अगर आप हायर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, एटलीस्ट PCS वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे जो है ये नाम जो है ऋषभदेव न लिख करके आदिनाथ लिख देगा या ऋषभनाथ लिख देगा। तो वहाँ पे जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तीनों जो है एक ही लोगों का नाम है, या तो संस्थापक पूछे या प्रथम तीर्थकर पूछे, तो यहाँ पे जो है यही यहाँ पे इसमें इनमें से कोई नाम जो है आप अगर ऑप्शन में है तो वहाँ पे आप सही मारिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ लेता है कई बार कि 22वें तीर्थकर, तो याद रखिएगा 22वें तीर्थकर जो अरिष्ट नेमी थे, 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे, ठीक है। ये आपको इतना क्वेश्चन जो है अब तक बन सकता है इतने पॉइंट से, ठीक है। अब देखते हैं कि जो इनका जन्म कहाँ हुआ था पार्श्वनाथ का, तो वो काशी वाराणसी में हुआ था। पिता उनके कौन थे, पिता जो है अश्वसेन, जो काशी के राजा थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई, संवेद पर्वत पे। कई बार महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है, वहाँ पे संवेद पर्वत पे जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और इन्होंने चार शिक्षाएँ दी, जिसमें से जो है ये सत्य, अहिंसा, अस्थि, अपरिग्रह, ठीक है, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है ये शिक्षाएँ जो है पार्श्वनाथ के द्वारा जो है दिया गया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अब तक यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो यही था कि प्रथम तीर्थकर और 23वें तीर्थकर कौन है, ठीक है। ये तो नहीं यहाँ पे पूछा गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था वाराणसी वगैरह में, लेकिन यहाँ पे आप इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कितने टोटल तीर्थकर हुए हैं, प्रथम तीर्थकर कौन है, 22वें और 23वें तीर्थकर कौन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है काफ़ी महत्वपूर्ण महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म की 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी को माना जाता है, और इन्हें ही कहा जाता है कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में जो है वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का अगर पूछा जाए, तो वहाँ पे जो है आप महावीर स्वामी को जो है टिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद यदि जो है वहाँ पे ऑप्शन पे नॉर्मल संस्थापक की बात करें, तो नॉर्मल संस्थापक के रूप में जो आप ऋषभदेव को वहाँ पे टिक करिएगा। अगर इनकी बात करें जन्म की, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में जो है कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 468 BC जो पावापुरी में हुआ था 72 ईयर्स में। यहाँ पे देखिए कि एग्ज़ाम में पूछता है कि किस जैन धर्म की या किस ऐसे स्वामी की मृत्यु जो है इतने वर्ष में हुई थी। याद रखिए कि 72 वर्ष में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी में, और जन्म कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम वैशाली में। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। उसके बाद पिता का नाम इनका क्या था, जो सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के जो है थे। माता का नाम इनकी त्रिशला, चेतक की बहन थी। पत्नी इनकी जो थी यशोदा थी। पुत्री इनकी थी एक अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। इतना इनके जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये क्या 30 वर्ष की आयु में जो है इनके बड़े भाई नंदीवर्धन, ठीक है, की आज्ञा से ये गृह को त्याग देते, यानी कि घर छोड़कर जो है चले जाते हैं 30 वर्ष की आयु में, अपने जो है बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है परमिशन लेकर के। और उसके बाद जो है कड़ी मेहनत करने के बाद, कड़ी तपस्या करने के बाद जो है इन्हें जो है साल वृक्ष के नीचे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, साल वृक्ष के नीचे और एक नदी है जो ऋजुपालिका नदी, चांबिक ग्राम,
ये तीन याद रखे। जाम्बी ग्राम में जो है एक साल वृक्ष था रिजुपालिका नदी के किनारे, वहीं जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनकी भाषा यहाँ पे जो है जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं, कैवल का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, यानी कि 12 वर्ष पश्चात जो है ये इन्होंने जो है इनको कैवल्य प्राप्त हुए, यानी कि 12 वर्ष पश्चात जो है ये क्या होते हैं यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद जो है ये जब वहाँ पे 12 वर्ष पश्चात जो इनको क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगला पॉइंट्स हमारा ये है कि कहाँ क्या क्या चीज़ें उपदेश और भिक्षाएं क्या थी इनकी। तो यहाँ पे देखिए प्रथम उपदेश जो है ये राजगृह मगध की पहली राजधानी थी, वहाँ पे इन्होंने दिया था। उसके बाद इनके प्रथम शिष्य कौन थे, उनके ही दामाद थे जामिल या जमाली, जो अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, ठीक है। संसार, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इतने क्षुब्ध हो जाते हैं संसार को देख करके, संसार के ये कहते हैं कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण ही क्या है, उसका कर्मफल है, यानी कि जो जो जैसा कर्म करेगा उसी का उसका जो है जीवन में फल उसको मिलेगा। ये देखिए मुक्ति के लिए इन्होंने तीन मार्ग बताए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन जिसे कहा जाता है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सुख दुख के समान भाव रखना, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा जो ये पांच महाव्रतों में अहिंसा, महावीर स्वामी ने जैसे पांच महाव्रत लिया गया था उसमें जो अहिंसा जो था वो उन महावीर स्वामी ने ज़्यादा महत्व वहाँ पे दिया। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये नास्तिक थे, यानी कि ये जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। उसके बाद यदि देखा जाए तो ये जो है स्यायवाद और अनेकवाद के सिद्धांत के संदर्भ में जैन धर्म से, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो है ये स्यायवाद और अनेकवाद, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिए ये जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आत्मवादियों या नास्तिकों के बीच का मार्ग, ठीक है, क्या कहलाता है, ये स्यायवाद और ये अनेकवाद कहलाता है, यानी कि ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर को न मानने वाला, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट्स क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है जैन धर्म से संबंधित है उनके बारे में हम देख लेते हैं। एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं इस तरह से, यदि देखा जाए तो मथुरा जो शैली है वो किस धर्म से संबंधित है, क्वेश्चन पूछता है, तो जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और ये जो खजुराहो का मंदिर है वो जैन और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। उसके बाद देखा जाए अगला पॉइंट जो है, माउंट आबू में जो है दिलवारा का मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है। सोलंकी शासक जो बिमल शाह था उसके द्वारा बनवाया गया था, ये जो है माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में वहाँ पे स्थित है। उसके बाद देखा जाए अगला पॉइंट जो है, श्रवण बेलगोला में जो है बाहुबली की विशाल मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अभी देखिए श्रवण बेलगोला कई बार महत्वपूर्ण बन जाता है कि कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। निर्माण इसका कौन करवाया था, गंगवंश के मंत्री चामुंड राय ने कराया था।